नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। पिछले 3 महीने से आप देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप देखेंगे तो ट्रिंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं और ऐसी स्थिति में या तो ब्रेकआउट होते हैं या तो ब्रेकडाउन होते हैं, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद से ऐसा लगता है कि ब्रेकडाउन होने की संभावना न के बराबर है। यहाँ पे ब्रेकआउट होने की संभावना 99% लग रही है दोस्तों, क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी बेहतरीन है। जो इनके सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जून के क्वार्टर में बात करेंगे तो सेल्स में तो बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दी है मार्च 2024 की अपेक्षा। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन जंप है, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या फिर सेल्स हो। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी का नाम बताना चाहेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसुईएस इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सेमको और आईफल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को विदित है हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं। शॉर्ट वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक जबरदस्त तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने क्रेडो ब्रांड्स, जिसको हम मुफ्ति के भी नाम से जानते हैं, HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी, MCX, उफ्लेक्स, NBCC, जोमैटो जैसे स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारे स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम बेसुवीएस इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे, टेक्निकल पैरामीटर्स को पंडर डालेंगे, फंडामेंटल को पंडर डालेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, अगर कंपनी लगभग देखेंगे तो कर्ज मुक्त है। कंपनी पिछले 5 वर्षों में 18.2% के CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि भी दर्ज कर रही है। तो दोस्तों, अब हम कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे। बेसुवीएस इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से रीफैक्ट्री वस्तुओं के निर्माण और व्यापार के व्यवसाय में लगी हुई है। यह है रीफैक्ट्री वस्तुओं से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है। इसका संचालन भारत में है और यह घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को सेवाएं प्रदान करता है। उत्पाद और अगर हम सेवाओं की बात करें तो कंपनी के उत्पादों में श्राउड, स्टापर, प्रीकास्ट उत्पाद, नोजल और क्रूसिबल जैसे आकार के रिफैक्ट्रीज शामिल हैं। इसमें कांस्टेबल और टाइप होल क्ले जैसे अनसेप्ड रिफैक्ट्रीज भी शामिल हैं। यह अपने रिफैक्ट्रीज के लिए मरम्मत और रखरखाव की भी सेवाएं प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय उपस्थिति की बात करें तो कंपनी भारत में प्रमुख इस्पात संयंत्रों को रिफैक्ट्रीज की आपूर्ति करता है। यह अपने उत्पादों को US, UK, ब्राजील, UAE, दक्षिण अफ्रीका, चीन, तुर्की, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, मैक्सिको और अन्य देशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है। अगर हम इनके विनिर्माण सुविधाओं की बात करें तो कंपनी की 4 विनिर्माण इकाइयां कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुजरात के महसाड़ा में स्थित हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की। तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंस की बात करूं, 5222.40 का है। सेकंड रेसिस्टेंस की बात करें, 5338.70 का है। थर्ड रेसिस्टेंस की बात करें, 5402.40 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सपोर्ट के ऊपर डालेंगे। अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं, 5042.40 का है। सेकंड सपोर्ट की बात करें, 4978.70 का है। थर्ड सपोर्ट की बात करें, 4862.40 का देखने को मिल रहा है। एक नज़र सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 डेज 10 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे बुलिश हैं, 20 डेज 50 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे बेरिश देखने को मिल रहे हैं, पर 100 डेज 200 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन यहाँ पे देखने को
मिल रहा है। अब एक नजर कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को जान लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, 10,366 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 41.00 का है, डिविडेंड यील्ड 0.25% का है, बुक वैल्यू की बात करें 642.03 का है, फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस बुक रेशियो की बात करें 7.95 का है, आरओसी की बात करें 24.03% का है, आरओई की बात करें 17.84% का है। तो काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। नजर इन्वेस्टमेंट रिटर्न के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 1 वीक में लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 महीने में 2.5% का निगेटिव रिटर्न, 3 महीनों में 3% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीनों में लगभग 48% का पॉजिटिव रिटर्न, 9 महीनों में लगभग 39% का पॉजिटिव रिटर्न, बीते 1 सालों में 52%, 2 सालों में 274%, 3 सालों की बात करें तो 335%, बीते 4 सालों में 450%, बीते 5 सालों में देखेंगे तो 463% का जबरदस्त रिटर्न बेसीवीएस इंडिया लिमिटेड ने अपने निवेशकों को दिया हुआ है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को पढ़ालेंगे तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं। 55.57% की होल्डिंग प्रमोटर की है, DII की बात करें 20.92% की होल्डिंग है, FII की बात करें 2.34% की होल्डिंग है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास 21.17% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। DII ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, FII ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। तो चलिए अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप देखेंगे 18 जून को स्टॉक ने 5,743 रुपये का हाई लगाया, अभी रिसेंट में 14 अगस्त को आप देखेंगे तो 4,752 रुपये का यहाँ पे लो लगता हुआ दिखाई दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है एज ए सपोर्ट फॉलो कर रहा है, ऊपर की लाइन है आप देखेंगे तो रेसिस्टेंट। तो दोस्तों जब ये स्टॉक आप ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, मतलब कि अगर ये स्टॉक 5,420 के ऊपर निकलता है तो आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तेजी आपको बेसीवीएस इंडिया लिमिटेड के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ट्रिंगल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दोस्तों जब ये ऊपर की लाइन को ब्रेक करेगा तो एक शानदार तेजी के लिए तैयार होगा और बम्पर रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा तो सारी चीजें और आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट प्रस्तुत किया हुआ है, इसके पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिंगल पैटर्न बने, जैसे ही इसको इसने ब्रेक किया एक शानदार तेजी यहाँ पे देता हुआ दिखाई दिया था। दोस्तों सेम चीज आपको यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट के ऊपर वही फॉर्मेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ही स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो आने वाले दिनों में एक जबरदस्त तेजी आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ, किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।